बहुत ही शानदार लोकेशन के लिए हम निकल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के राइट हैंड साइड में वाराणसी रेलवे स्टेशन है। वाराणसी रेलवे स्टेशन हम दोस्तों ये देखिए पहुंच चुके हैं और यहाँ का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का लोकेशन कितना सुंदर, ये रेल बना हुआ है। और आज हम लोग सफ़र करेंगे वंदे भारत से। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत जो कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, उससे हम आज सफ़र करेंगे। आपको दिखाएंगे इसकी खूबी, एक खासियत, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, कितना चमचमाता हुआ ये ट्रेन है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी चमचमाती हुई ये ट्रेन है, कितनी खूबसूरती से दिख रहा है ये देखिए दोस्तों। और इसके बाद हम आपको ले कर चलेंगे आगे जो डेस्टिनेशन हमारा है। डेस्टिनेशन अभी जो भी डेस्टिनेशन दोस्तों हमारा है वो सरप्राइजिंग है। ये देखिए हमें पानी की बोतल मिल चुका है और यहाँ का जो विंडो है, जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक खुलते हैं। और इस समय लोग बाथरूम में आ गए। बाथरूम देखिए दोस्तों कितना नीट एंड क्लीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का वाशरूम कितना नीट एंड क्लीन है दोस्तों। आप आइए, इंडियन रेलवे में इतना नीट एंड क्लीन वाशरूम नहीं देखने को मिलता है। और ये देखिए टीटी भी आ गए हैं और ये पूरे डिजिटली हैं दोस्तों, और कितने नीट एंड क्लीन वो भी दिख रहे थे। अब हम लोग इस समय हम लोग को मिल चुका है नाश्ता। ये ट्रेन की खूबी दोस्तों ये है ना, ये खिलाते पिलाते ले चलती, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए खिलाते पिलाते ले चलना, यानी मन लगा रहता है, आदमी खाता रहता है। और इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, सब फ्री है। अगर आप जितना मिलता है उससे एक्स्ट्रा आप लेते हैं तो उसका अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ता है, बट जितना भी मिलता है वो भी सफिशियंट है दोस्तों। ये देखिए एप्पल का एपी है, इसको भी मैं पिया। इसमें दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पे। ये देखिए दोस्तों प्रयागराज का जंक्शन है और यहाँ पे गेट कम समय के लिए खुलता है, मुश्किल से 10 मिनट के लिए, तो हम अंदर चले आए। और ये देखिए दोस्तों एयर होस्टेस, जैसे एयर फ्लाइट में एयर होस्टेस होते हैं सर्व करते हैं, वैसे ये लोग भी सर्व करते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा एक कॉफ़ी लिया हुआ है, इसका मैंने चार्ज पे किया हुआ है 20 रुपये। एक कॉफ़ी का रेट है 20 रुपये, जिसका मैंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया हुआ एक्स्ट्रा पे किया हुआ है दोस्तों। शाम को ये लोग 8 बजे डिनर कराते हैं और ये डिनर में देखिए इतना डिनर मिलता है दोस्तों कि आपका सफिशियंट है। अगर आप रात का खाना बाहर नहीं खाना पड़ता है, आप यहीं से आप इसको ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये नीट एंड क्लीन, कितनी सफाई से ये पूरा ट्रेन है। और इस ट्रेन का आपको जर्नी दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें लोग वंदे भारत ट्रेन में, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, ये आपको दिखा रहे हैं ये देखिए। और लंच के बाद दोस्तों हम लोग को मिलता है अमूल की आइसक्रीम, बहुत ही शानदार है दोस्तों। अभी 11 बज रहे हैं दोस्तों और ट्रेन अभी पहुंची, दिल्ली भी नहीं पहुंची है और हमारी बस है दोस्तों। सरप्राइज का टाइम ख़त्म हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। देहरादून के लिए मेरी बस है 11:55 पे और ये 11:12 बजने वाले हैं दोस्तों। मेरी गेट से हमारी बस है 11:25 पे, बट अभी सवा 11:20 हो चुका है, बट कहीं पे एक्सीडेंट हो गया था, ये वंदे भारत ट्रेन लेट हो चुकी है। अभी बज रहे हैं ये देखिए दोस्तों 11:20 और 11:55 में मेरी बस है कश्मीर के लिए, और शायद ना मिल पाए, शायद छोड़ो। ये देखिए भैया है, ये चमचमाती हुई ट्रेन के राज यही है। हाय बोलिए भैया, क्या नाम आपका है? शिव कुमार। इस चमचमाती हुई ट्रेन के राज यही है भैया। लिए दोस्तों हम लोग अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कोई सवारी मुझे मिल जाती है जल्दी से, जो भी मिल जाए उसके थ्रू हम पहुंचने की कोशिश करेंगे बस स्टैंड जहां पर बस हमारा लगा हुआ है। लीजिए दोस्तों हमें ऑटो मिल चुका है और ऑटो के थ्रू हम जा रहे हैं, देखते हैं राइट टाइम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। भैया से मैंने बोला भैया थोड़ा सा स्पीड से चलाइए, देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि अगर वो बस छूट गई तो फिर रात भर में यहीं रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर पूरा दिन लग जाएगा, मतलब 1-2 दिन मेरे पर बर्बाद हो जाएगा। लीजिए देखिए दोस्तों भैया बहुत तेज़ चला रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ही संशय में है दोस्तों, बहुत ही माइंड टेंशन में है दोस्तों। लीजिए देखिए दोस्तों ये भैया ने मुझे पहुँचा दिया और हम पहुँच चुके हैं बस के पास और चलते हैं अब बस के अंदर। भैया बस ये निकलने ही वाले थे ये पैक करके, उनसे 12 मिनट बाद दोस्तों बस में बैठने और सोने की दोनों व्यवस्था थी, तो मैंने स्लीपर वाला लिया कि मैं सो के आराम से सुबह पहुंच जाऊं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी बस छूटते छूटते बच गई और हम लोग अभी बस के थ्रू आ चुके हैं, रात को 1:30 बजे हैं और इस समय हम लोग छोटे चोटी वाले के पास हैं, रेस्टोरेंट चोटी वाले के पास ढाबा रुका हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है दोस्तों और उसका वॉशरूम वगैरह बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा था।
दोस्तों अभी हम लोग इस ढाबे पर आकर रुके हुए हैं। ढाबे पे मैं सोच रहा था क्या करूँ, नाश्ता करूँ ना करूँ, बहुत संशय में था क्योंकि रात को 1:30 बजे खाने की भी इच्छा नहीं थी, खाऊँ कि ना खाऊँ। और ट्रेन में मैंने ऑलरेडी जो कि डिनर किया हुआ था इसलिए इच्छा नहीं थी। तो हम लोग पहुँच गए चाय पीने के लिए। ये देखिए दोस्तों, भैया कुल्लड़ की वाली चाय दे रहे थे, इनका रेट था 32 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 32 रुपीज़ में एक कुल्लड़ ये चाय दे रहे थे। मैं चाय इतना शानदार था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों ये देखिए, और इतना स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया। और उसके बाद हम ये देखिए हमारे कुल्लड़ की जो कुल्लड़ मिला हुआ था वो अगला वीडियो दोस्तों मॉर्निंग में देहरादून से स्टार्ट होगा मसूरी के लिए। और हम लोग चलते हैं, बाय बाय। हमारे चैनल नया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बाय।